एकदम साफ है, जो सांप्रदायिक शक्तियां जो देश में दंगाई दंगा फसाद कराने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। और कैसे मिलकर के जो आने वाला जो चुनाव है, क्योंकि जनता की मांग पर और जनता ये चाहती थी देश की कि हम लोग जो है ये गठबंधन बनाने का काम करें, तो इसलिए हम लोग जो है ये तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में होने वाली है, तो हम लोग सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। पीएम फेस को लेकर बताया जा रहा है कि लोग जमा तो हो जा रहे हैं, पार्टियां इकट्ठी तो हो जा रही हैं, लेकिन फेस कौन सा, पीएम की रेस में कौन सा? देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा, तो वो तो बात की बात है। लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। एक आखिरी सवाल है, एलपीजी के दाम घट गए हैं और बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपये ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी गई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है ये चुनावी स्टंट है। और जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, तो मतलब तो कुछ रहता नहीं है। हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी डर की वजह से। जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, लेकिन कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने राखी बांधी, ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन का जो धागा है वो तो मजबूत है, लेकिन आपके गठबंधन का धागा मजबूत नहीं है, ये जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। गठबंधन का धागा रक्षाबंधन की तरह ही मजबूत है। हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते से बांधे हैं जी, वो रिश्ता है इस राष्ट्र की रक्षा का, हाँ, देशभक्ति का, और एक कोई रिश्ता हमारा तोड़ नहीं सकता। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और किसी प्रकार के भेद नहीं है। आज आपने देखा होगा पूरी तैयारी मुंबई में हो रही है, हो चुकी है, डेलीगेट्स का आना शुरू हुआ है कल रात से, आज शाम को बैठक की शुरुआत होगी, कल तक चलेगी और देश के सामने एक बहुत बड़ा एक एक्शन प्लान लेकर हम जाएंगे। आखिरी सवाल, की संयोजक पर बात बनेगी क्या? क्या शरद पवार साहब भी वन ऑफ दी नाम है एक, क्या उनका नाम भी सामने आ सकता है? जो बात हम चार दीवारों में करना चाहते हैं वो हम मीडिया के सामने नहीं करेंगे, ये हमारा पहला नियम है। एक इंटरनेशनल अखबार में कई तरह से अखबार में खबर छपी है अडानी के खिलाफ, सामने आया है कि जिसमें लोगों का पहले तो अनावरण होगा, उसके बाद इंडिया के स्ट्रक्चर में कई सारी कमेटियां बनाई जाएगी। एक हमारे बैठक में होने वाली है, इस बारे में बाहर आकर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर जो चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देख देखकर।